शहर में हो रहे अतिक्रमण हटाओ एवं चेकिंग अभियान के विरोध सर्वदलीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर आकर प्रदर्शन किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन लिया। जिला अधिकारी कार्यक्रम में हस्तगत कराया ज्ञापन में कहा गया कि शहर का प्रशासन अतिक्रमण हटाओ के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है। अगर सही रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना है तो पहले स्टेशन के सामने मुसाफिर खाने के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाना, तभी शहर वासियों को प्रशासन द्वारा निष्पक्ष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने का पता चलेगा। संगठन एक साथ एकत्रित हुए हैं, विभिन्न समस्याओं को लेकर के हम लोग जिस तरह से समस्याएं आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद, भगवा सरकार होने के बाद, अधिकारियों द्वारा जिस तरह से समाजवादी सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हिंदू संगठनों के ऊपर अत्याचार होते थे, वही सारी चीज़ें इस समय दिखाई देने लगी। उन्हीं सभी विषयों पर दो दिन पहले भी हिंदू संगठनों के समस्त संगठनों की बैठक हुई और ये बात हम सब लोगों ने तय करी कि हम लोग जाकर के माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीएम महोदय के माध्यम से देंगे। अतिक्रमण के नाम पर हम लोगों का कहना, अगर अतिक्रमण शहर में शुरू हो तो सबसे पहले मुसाफिर खाना जो एक पर्यायवाची बना हुआ अतिक्रमण का, उसको लेकर के अगर प्रशासन शुरू करता तो लगेगा प्रशासन निष्पक्ष तरीके से अतिक्रमण को करने जा रहा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो वाहन चेकिंग को लेकर के, अभी पीछे आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं माहौल बना हुआ वाहन चेकिंग के नाम पर। जो भी हिंदू संगठनों के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन लोगों के साथ, बजरंग दल के लोगों के साथ जो कार्रवाइयाँ हुई, इनको लेकर के प्रशासन को अभी एक विश्वास में लेना पड़ेगा कि हिंदू संगठनों के खिलाफ प्रशासन समाजवादी सरकार की तरह काम नहीं कर रहा। तीसरा जो एक कांवर यात्रा को लेकर के जगह जगह टूट फूट हुई और कांवर यात्रा को लेकर के जगह जगह हम लोगों की मांग है, कांवरियों के लिए एक व्यवस्था अच्छी करी जाए, हर क्षेत्र में वाहन जो है चिकित्सा की व्यवस्था करी जाए, सड़क सुधारण करी जाए। तीसरी जो एक बड़ी बात आ रही है कि एक्सीडेंट लगातार, जैसे हम लोग रोज पेपरों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिन क्षेत्रों में अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं उन क्षेत्रों के थाना अध्यक्षों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा करनी चाहिए और समस्त हिंदू संगठनों की शीघ्र से शीघ्र कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक बुलानी चाहिए। जय भवानी, जय।